क्यों बांग्लादेशियों फंस गए ना हमारे स्पाइडरमैन के लपेटे में। क्या बल्लेबाजी की है भाई ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने। 600 दिनों से ज्यादा क्रिकेट से बाहर रहने के बाद ऋषभ पंत ने क्या वापसी किया, क्या जबरदस्त वापसी की है। पहली पारी में 39 और दूसरी पारी में सेंचुरी लगाकर ऋषभ पंत ने साबित कर दिया है कि वो भविष्य में बहुत आगे जाने वाले हैं। उस क्यों घंटे का प्रिंस बोलने वालों, कहां छुप गए अब आप लोग? क्या शुभमन गिल घंटे के प्रिंस हैं? नहीं, शुभमन गिल एक रियल प्रिंस हैं। और क्या बैटिंग की है भाई इस बंदे ने, क्या बैटिंग की है। भारत को मुश्किल परिस्थितियों में आकर बल्लेबाजी करना और भारत को उनसे उबारना, कोई सीखे तो शुभमन गिल से सीखे। आज हम बात करने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के बारे में। तो जब आज दिन का खेल शुरू हुआ तो कल के नाबाद बल्लेबाज ऋषभ पंत और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए और दोनों ने संभल कर खेलते हुए कोई विकेट नहीं खोया। लंच तक दोनों ने एक शुभमन गिल 86 रन बनाकर और ऋषभ पंत 82 रन बनाकर नॉट आउट गए। उसके बाद दोनों ने आकर अपनी सेंचुरी पूरी की और लगभग पूरे दिन बांग्लादेश के बॉलर्स को परेशान करके रख दिया और उनको कोई विकेट नहीं दी। इसके बाद शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अपनी सेंचुरी पूरी की। सेंचुरी पूरी करने के बाद ऋषभ पंत एक आक्रामक शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए, लेकिन तब तक उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग की कि बस पूछिए मत। उसके बाद भी शुभमन गिल पूरे दिन का खेल खत्म होने तक, जब तक भारत ने पारी घोषित नहीं की तब तक नाबाद रहे। उनका साथ केएल राहुल ने और केएल राहुल ने भी नाबाद 19 रन बनाए और भारत ने 515 रन की लीड लेने के बाद अपनी पारी घोषित कर दी। उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम को उनके दोनों सलामी बल्लेबाजों ने एक सदी हुई शुरुआत दी, लेकिन उसके बावजूद भी जसप्रीत बुमराह ने उनके खेमे में सेंध लगा दी और पहली विकेट चटकाकर भारत को पहली सफलता दिला दी। उसके बाद आए अश्विन अन्ना ने 3 विकेट चटकाकर बांग्लादेश को लगभग बिल्कुल बैकफुट पर भेज दिया और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने 158 रन बनाकर 4 विकेट खो दिए हैं। और अभी बांग्लादेश को जीतने के लिए 357 रन की जरूरत है और जबकि भारत को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 विकेट चटकाने। तो देखते हैं क्या कल भारत लंच से पहले बांग्लादेश की टीम को आउट कर पाएगा या फिर बांग्लादेश फाइट बैक करेगी और थोड़ा मैच को और थोड़ा आगे ले जाने की कोशिश करेगी। वैसे आप क्या समझते हैं कि क्या बांग्लादेश फाइट बैक कर सकती है? तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कल का खेल शुरू होने के कितनी देर तक भारत बांग्लादेश को आउट कर पाएगा और उसके बाद या बांग्लादेश फाइट बैक करेगा, या क्या आपको क्या लगता है आप इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।